अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं सुबूही ड्रिमेलिया जोन से। आज आपको लिपट प्रिंट करना सिखाऊंगी शूज़ के ऊपर। चीते का प्रिंट किस तरह करते हैं। पुराने शूज़ हैं ये मेरे, टूट गए हैं और थोड़ा सा ख़राब हो गए हैं कलर में, तो मैंने कहा इसको रिन्यू करती हूँ। चीते का प्रिंट इस पर ड्रॉ करके बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। कंप्लीट देखिएगा वीडियो को तो समझ में आएगा किस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। ये लिपट प्रिंट मैंने ब्लू मार्कर से बना लिया है। आप किसी भी चीज़ से कोई भी प्रिंट बना सकते हैं। मैंने लिपट लिया है चीते का प्रिंट, कार्बन पेपर रख के मैं ट्रेसिंग करूँगी और ये ड्रॉ करा है मैंने प्रिंट। गूगल से मिल जाता है आपको प्रिंट ईजीली, आप उससे भी प्रिंट आउट भी निकाल सकती हैं। ये नग लिए हैं शीशे के मैंने, प्लास्टिक के नग भी ले सकते हैं। मैंने कैरी के शेप के दो बड़े नग लिए हैं, बाकी छोटे नग लिए हैं। आप फूल भी लगा सकते हैं इसकी जगह, प्लास्टिक के नग भी, गोल चकोर कोई से भी नग लगा सकते हैं, कुछ वो नहीं है। मेरे पास ये थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ज़ीरो साइज़ का कलर पैलेट है, ज़ीरो साइज़ का ब्रश है आउटलाइन के लिए और चार नंबर का ब्रश है, बॉल पेन है ट्रेसिंग के लिए। ब्लू मार्कर लिया है मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए और एक्रेलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक और ब्राउन कलर मस्टर्ड। टेप है इसको चिपकाने के लिए, मास्किंग टेप है जो हम ट्रेसिंग करेंगे तो हम इसको इससे स्टक करेंगे। और पानी के लिए एक बोल है और एक पेपर है जिसको मैंने दबा लिया है, दो पेपर्स को तो मैं शूज़ के अंदर इसको डालूंगी अंदर, क्योंकि जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो शूज़ आगे से दब जाएगा, ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी। किसी भी चीज़ में आप शूज़ में या सैंडल में कर रहे हैं तो ये डाल दें अंदर। ग्लू गन लिए मैंने, हॉट ग्लू गन नग को चिपकाने के लिए, के पीछे हॉट ग्लू गन से हम नग को आसानी से चिपका लेंगे इसमें। और अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप ये गन ले लें जो नक ये ग्लू ले लें जो नक चिपकाने के हैं, या ग्लू दूसरा टाइप का ले लें कोई भी। और अगर ग्लू नहीं है आपके पास और ग्लू गन नहीं है तो आप नक के अंदर दो सुराख हमेशा होते हैं तो आप सुई से धागा डाल के आराम से नक के कलर का धागा डाल के आप इसको सिलाई कर सकती हैं शूज़ के अंदर, सैंडल के अंदर, कहीं पर भी। अब ये पेपर मैं इसके अंदर डाल ली हूँ क्योंकि मुझे ट्रेसिंग करनी है पेपर, ताकि ये दबे ना और ट्रेसिंग पेपर अंदर जाए ना, उठा रहे और ट्रेसिंग सही से इवनली हो जाए, तो इसीलिए मैं ये पेपर डाल ली हूँ। अगर आपके पास सैंडल पे आप कर रही हैं स्टेप पतले हैं तो ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ पे पकड़ के भी ट्रेसिंग कर सकती हैं। मेरे पास शूज़ था तो मैंने उस पर कर लिया। कार्बन पेपर रखेंगे, ब्लैक हिस्सा नीचे रखेंगे, आपको जो भी शेड देना है, अगर आपको चीते का शेड ब्लू में लाना है या किसी और उसमें लाना है तो आप ब्लू कार्बन पेपर यूज़ कर सकती हैं। मुझे ब्लैक में लाना था तो मैंने ब्लैक यूज़ करा है। अब ये मैंने जो पेंसिल बॉल मार्कर से प्रिंट बनाया है चीते का, अब मैं इसको उस जगह पे रख रही हूँ जहाँ पे मेरे शूज़ पे मुझे प्रिंट करना है। मास्किंग टेप से मैंने इसको स्टक कर दिया है दोनों साइड से। अब मैं बॉल पेन से इसको ट्रेस करूँगी। बॉल पेन से कीजिएगा, मार्कर से ट्रेसिंग नहीं कीजिएगा, मार्कर से ट्रेसिंग नीचे नहीं आती है और पेंसिल की निप शार्प होती है, वो कार्बन पेपर को फाड़ देती है। बॉल पेन की आगे की निप जो होती है वो मोटी होती है, उससे ट्रेसिंग आराम से होती है, कार्बन पेपर फटता नहीं है। मैंने ट्रेसिंग पेपर पे डिज़ाइन बनाया है, आप किसी भी प्लेन पेपर पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ट्रेसिंग पेपर पे ही बनाएं। देखें ट्रेस करने के बाद इस तरह का आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा, जो पेपर पे था वो एज इट इज़ आपके शूज़ पे, सैंडल, जिस चीज़ पे भी आप ट्रेस करेंगी उस पे वो आ जाएगा। मैंने आगे भी करा है ट्रेसिंग और पीछे भी ट्रेसिंग करी है, क्योंकि पीछे की भी कंडीशन ख़राब हो रही थी तो मैंने कहा रिन्यू करने के लिए पूरे ओवरऑल सैंडल सही होनी चाहिए। तो ये देखें मैंने पीछे भी ट्रेस कर लिया है और आगे भी ट्रेस कर लिया है। कलर पैलेट में हम ब्लैक कलर का एक्रेलिक कलर लेंगे और चार नंबर का ब्रश, ज़ीरो साइज़ का ब्रश, ब्राउन कलर और पानी ब्रश धोने के लिए बोल लेंगे एक, जिसमें हम ब्रश को धो सकें, एक्रेलिक कलर फ़ौरन ब्रश में जम जाता है। ब्राउन कलर लेंगे हम और जो हमारा चीते का प्रिंट है
उसके जो छोटी छोटी सी बूटियां हैं हम उसके अंदर ब्राउन कलर करेंगे। आप चाहें तो मस्टर्ड कलर भी कर सकते हैं क्योंकि मस्टर्ड कलर भी अक्सर होता है। मैं ब्राउन कर रही हूँ तो ब्राउन और किनारे में ब्लैक करूँगी। सेंटर में प्रिंट करने के बाद इस तरह का प्रिंट हो जाएगा। मैंने सब बूटियों के सेंटर में ब्राउन कलर कर दिया है। उसके किनारे की आउटलाइन हर बूटी की मैं ब्लैक कलर की करूँगी। तो ये मैंने ब्राउन कलर कर दिया है हर बूटी के अंदर। आप मस्टर्ड कलर भी कर सकते हैं, येलो कलर भी कर सकते हैं। मैंने ब्राउन कलर करा है तमाम बूटियों के अंदर। पहले हम सेंटर को पेंट करेंगे, बाद में हम किनारे की आउटलाइन ब्लैक से देंगे। ब्लैक मैंने एक्रेलिक कलर लिया है। अब बारीक ज़ीरो साइज़ के ब्रश से मैं किनारे की आउटलाइन दूंगी। ये ब्लैक कलर है, अब मैं किनारे की आउटलाइन बना रही हूँ। थोड़ी सी थिक आउटलाइन बनेगी, बारीक आउटलाइन नहीं बनेगी। इसका जो चीते का जो प्रिंट होता है उसकी आउटलाइन हमेशा मोटी होती है, तो थोड़ी सी मोटी आउटलाइन मैं लेके जाऊंगी इसके किनारों से। जो उन सभी प्रिंट मैंने ट्रेसिंग करा है कार्बन पेपर रख के, उसी की फिलिंग करूँगी मैं किनारे येलो कलर से। आउटलाइन दूँगी मोटी। बनने के बाद किनारे आउटलाइन देखें, इस तरह का शेप आपके पास आ जाएगा। किनारे आउटलाइन थोड़ी देर ड्राई होने दीजिएगा। जब ड्राई हो जाए एक घंटा, कलर एक्रेलिक कलर तो फौरन सूख जाता है। आप फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, चप्पलों पे फैब्रिक कलर्स भी प्रिंट होता है, फैब्रिक कलर से भी और एक्रेलिक कलर से भी। अब नक को हम ग्लू गन से स्टक करेंगे। जो पॉइंटेड इसका शेप है वो हम आगे के साइड रखेंगे और जो राउंड शेप है उसे बैक साइड रखेंगे। सर्कल आपके पास स्टोन है तो सर्कल भी लगा सकती हैं, स्क्वायर भी लगा सकती हैं, कोई भी फ्लावर भी लगा सकती हैं, कोई भी चीज़ आप लगा सकती हैं इस पर। मैंने ये वाले स्टोन्स यूज़ करे हैं शीशे के। तमाम बनने के बाद, इस तरह के नग लगने के बाद, इस तरह का फ्रंट और बैक हो जाएगा। जो भी आगे की बो लगी हुई थी वहाँ पे मैंने नग लगा दिए हैं और उस बो को मैंने बैक पे लगा दिया है। एक नई डिज़ाइनिंग बैक की दे दी है। अगर आपको प्रिंटिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो आपको प्रिंटिंग पसंद आई तो मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरह की प्रिंटेड फैब्रिक पेंट चीज़ें और स्विंग के साथ चीज़ें एम्ब्रॉयडरी की अपनी वीडियो में दिखाती रहती हूँ। बैग देखें, मैंने एक स्टोन लगा के
बटरफ्लाई के नीचे, उसको एक यूनिक लुक दे दिया है। ये दोनों चीज़ें आगे लगी हुई थी, टूटी हुई थी, मैंने बैक पे देखे, सिर्फ बैक का भी एक न्यू लुक दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।